मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 4.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चन तक किया था। आज हम 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। हमें दो नंबर बताना है। क्वेश्चन में गिवेन है कि दो नंबर का स्क्वायर जो है 180 है और स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर 8 टाइम द लार्जर नंबर है। और जो स्क्वायर नंबर है, छोटे नंबर का स्क्वायर जो है वो लार्ज 8 टाइम जो है लार्जर नंबर है। तो हम क्या सपोज करेंगे, लार्जर नंबर सपोज करेंगे और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8x हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको। देखिए हमने सपोज कर लिया यहाँ पे कि सपोज लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर जो है वो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर वो है क्या जाएगा 8x हो जाएगा, कि क्वेश्चन में गिवन है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 180 है। तो लार्जर नंबर का, लार्जर नंबर x है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और छोटे नंबर का स्क्वायर कितना है, 8x है, तो 8x हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने स्क्वायर क्यों नहीं किया, यहाँ पे स्क्वायर इसलिए नहीं किया कि ये छोटे नंबर का स्क्वायर है, ये जो वैल्यू है छोटे नंबर की स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर है ये, इसलिए हमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक्स क्या है, ये लार्जर नंबर है, इसलिए ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे, -180 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। उसके बाद इसके फैक्टर कर देंगे, फैक्टर आ जाएंगे, ये आ जाएगा 18x -18x +10x। ये एलसीएम वाले मेथड से हम 180 के फैक्टर निकालेंगे और तो 18 और 10 आ जाएगा। उसके बाद क्या कर देंगे, -180 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x -18 आ जाएगा। और उसके बाद इन दोनों से हम 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी x -18 आ जाएगा। तो ये एक फैक्टर हमारा क्या हो गया, x -18, और दूसरा फैक्टर हो गया x +10। तो एक बार हम क्या रखेंगे, x -18 इक्वल टू 0। इफ x -18 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। x +10 इक्वल टू 0 करेंगे तो -10 आएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो x इक्वल टू 18 आ गया। तो 18 क्या है, यहाँ पे लार्जर नंबर है। तो देयरफॉर लार्जर नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। और हमने यहाँ पे 8x क्या सपोज कर था, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर सपोज कर रखा था। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या जाएगा, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, 8 × 18 हो जाएगा। अभी स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, कहने का मतलब क्या है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है ये। तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर जो राइट हैंड साइड में आता है रूट में कन्वर्ट हो जाता है, कहने का मतलब इसका रूट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं फैक्टर करके। 8 के फैक्टर क्या होगा, 2 × 4 × 8, और इसका क्या हो जाएगा, 2 × 9 हो जाएगा। अब देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक सिंगल टू बाहर आ जाएगा, इससे एक सिंगल टू बाहर आ जाएगा, और 9 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 6 × 12 आ गया। अब ये देखिए रूट निकाल लेंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, +-12 आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, दो आंसर आ जाएंगे इसके। लार्जर नंबर, पहला आंसर क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर 18 होगा तो स्मॉलर नंबर 12 हो जाएगा। और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, कि अगर लार्जर नंबर 18 है तो -12 हो जाएगा। एक बार ये, एक बार ये दो आंसर आ गए हैं, क्योंकि रूट भी कभी कभी भी रूट हटाते हैं तो आपको याद रखिएगा कि आंसर जो आता है वो प्लस माइनस में आता है, ठीक है, इसलिए दो आंसर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इधर अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर जा रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 km/h, अगर उसकी स्पीड को 5 km बढ़ा दिया जाए, इट वो टेक हैव 1 hour लेस टू सेम जर्नी ट्रैवल डेज जर्नी। तो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको 1 घंटे जो है कम टाइम लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन को सपोज कर लेंगे। तो उसके बाद दो केसेस बनेंगे। पहला केस जो है कि नॉर्मल स्पीड से ट्रेन चल रही है तो कितना टाइम लगेगा, और उसकी स्पीड को हम बढ़ा देंगे तो टाइम कितना लगेगा। चलिए करते हैं इसको। ये हमने सपोज कर लिया, सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आर। अब पहला केस बनेगा, केस वन हो जाएगा, कि अगर स्पीड उसकी एक्स किलोमीटर पर आर है और डिस्टेंस कितनी है, 360 किलोमीटर एक्स किलोमीटर पर आर, तो उस केस में टाइम कितना लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन एस होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से
तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी वन हमने सपोज कर रखा है 360 अपॉन एक्स आ जाएगा, ये पहले केस का टाइम हो गया। कि अब जो सेकेंड केस में ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड को हम बढ़ा देते हैं तो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं, तब क्या होगा, दोबारा फिर डिस्टेंस सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, लेकिन स्पीड जो है इसकी 10 हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और तो उसके इसमें टाइम कितना हो जाएगा, टी टू टाइम सपोज कर ले डी अपॉन एक्स होता है तो 360 अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ये किसे किसे सेकेंड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ऐसा ट्रेन इतना अगर इस स्पीड पर ट्रेन जाएगी तो उसको 1 घंटे टाइम कम लगता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा, इस वाले पहले वाले टाइम दूसरे वाले टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि टाइम कौन सा बड़ा है, टी वन माइनस टी टू इसको टू वन लिखेंगे या टी टू माइनस टी वन इसको टू वन लिखेंगे, हमें देखें टाइम बड़ा कौन सा लग रहा है। देखिए यहाँ पे स्पीड एक्स थी, यहाँ पे स्पीड हमने बढ़ा दिया, जब स्पीड को हम बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम, यानी कि टी टू क्या हो गया, छोटा हो गया, और ये वाला टाइम कैसा हो गया, बड़ा। तो टी वन माइनस टी टू इसको टू वन आर कर देंगे हम, यहाँ पे हम लिख देंगे टी वन माइनस टी टू इसक्वल टू वन आर। अब टी वन और टी टू की वैल्यू कितनी है, टी वन की वैल्यू जो है 360 अपॉन एक्स माइनस टी टू की वैल्यू कितनी है 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इसक्वल टू वन है। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एक्स भी एलसीएम आ जाएगा, एक्स प्लस 5 भी एलसीएम आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, और तो 360 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे एक्स प्लस 5 से, माइनस इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से x से मल्टीप्लाई 360 से होगा, 360x इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको ओपन कर देंगे, 360 इंटू एक्स 360x आ गया, प्लस 360 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 360 इंटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं 360 इंटू 5, ये आ रहा है 1800 आ रहा है, तो 360 इंटू 5 1800 आ गया, माइनस 360x ये हो गया अपॉन एक्स, एक्स प्लस 5 इसक्वल टू क्या आ गया, 1 360x 360 प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x x प्लस 5 इसक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई 1800 से करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पे 1800 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस 5x 1800 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1800 इसक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 1800 के हम फैक्टर कर देंगे एलसीएम वाली मेथड से, तो फैक्टर करेंगे इसके एलसीएम क्या, ऐसे लाना क्या है, 5 लाना है, यानी कि इस टाइप से हम आपको आता ही करना, ये किया हमने 2900 245 59 जा 0 45 59 जा 33 जा 31 जा, ये कर लिया हमने। अब लाना है क्या है, 5 लाना है, ये आ जाएगा 45, 5 टू या 10 टू या 20 टू या 40, यानी 40 एंड 45 दो फैक्टर आ गए, 40 और 45, और 5 लाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इसक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 40 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो एक फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 45, और एक फैक्टर क्या आ गया, x माइनस 40। तो एक बार हम क्या लेंगे, इसको लेंगे तो x प्लस 45 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 45 आ जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि निगेटिव आ गया। दूसरा x माइनस 40 इक्वल टू 0 आ जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ गया, 40, ये प्लस का है तो इसको ले लेंगे। देयरफॉर लास्ट में लिख देंगे स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आर। 9th क्वेश्चन देखते हैं, टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3 अपॉन 8 आर। दो वाटर टैप हैं, एक साथ पानी फिल करते हैं 9 होल 3 अपॉन 8 आर में, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आर लेस देन द स्मॉलर 1 टू फिल द 10 सेपरेटली। जो टैप है लार्जर डायमीटर का टैप है वो 10 आर कम टाइम लगता है स्मॉलर से टैंक को फिल करने में, क्योंकि जब टैप का डायमीटर बड़ा होगा तो टाइम कम लगेगा। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, हमें टाइम फाइंड करना है कि अलग अलग वो कितने टाइम में फिल कर सकते हैं। तो यहाँ सपोज कर लेंगे कि सपोज जो स्मॉलर डायमीटर टैप है वो उसको एक्स आर टाइम लगता है और लार्जर वाले को एक्स माइनस 10 आर लगता है। चलिए हम ये सपोज करते हैं, पहले देखिए हमने सपोज कर लिया, यहाँ पे क्या सपोज किया, सपोज टाइम टेकन बाई द स्मॉलर डायमीटर टैप कितना, एक्स आर।
सब फिर इसके बाद सपोज टाइम टेकन बाय द लार्जर डायमीटर टैप इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 आर। अब देखेंगे ये इतने टाइम में लगता है स्मॉलर को, इतना टाइम लगता है लार्जर को। अब पोर्शन कितना पोर्शन टैंक का फिल होगा 1 आवर में, तो वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन है, तो 1 आवर के निकालने के लिए 1 अपॉन में लिख देते हैं। तो पोर्शन ऑफ टैंक फिल इन 1 आवर, 1 आवर बाई स्मॉलर डायमीटर टैप 1 अपॉन x हो जाएगा। पोर्शन ऑफ टैंक फिल इन 1 आवर बाई लार्जर डायमीटर टैप 1 अपॉन x-10 हो जाएगा। अब दोनों जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है दोनों को साथ चला दिया जाता है। सपोज स्मॉलर वाला जो है इतना टाइम लगा रहा है, इतना पोर्शन फिल कर रहा है टैंक को 1 घंटे में, और उसके बाद लार्जर डायमीटर जो है इतना पोर्शन फिल कर रहा है टैंक का 1 घंटे में, और टोटल जो टाइम लग रहा है वो है 9 होल 9 अपॉन 8, 9 होल 3 अपॉन 8। इसको सॉल्व कर देंगे यह जाएगा 75/8। तो उसको पोर्शन निकालना है तो ये भी 1 अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन 75/8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स एक्स माइनस 10 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो एक्स माइनस 10 प्लस, इससे ये कैंसिल, एक्स की 1 से करेंगे एक्स आ गया। ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x-10 अपॉन x x-10 इसको टू कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 75। अब यहाँ से हम देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, अगर 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या जाएगा, x-5 अपॉन x x-10 इसको टू 8 अपॉन 75। देखिए ऊपर ऊपर न्यूमरेटर कैंसिल जाता है, 2 4 जा 8, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, x-5 अपॉन x x-10 इसक्वल टू 4 अपॉन 75। अब बताइए अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो 4 4 याद आएगा, 4x x-10 इसक्वल टू 75 किससे करेंगे, 75x-75 5 जा करेंगे तो 375 होता है, ये आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x² - 10 4 जा 40x, इसको उधर ले आएंगे -75x, इसको भी इधर ले आएंगे +375 इसको टू क्या आ गया, 0। यानी कि 4x² ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आ गया 115x +375 इसक्वल टू 0। अब हम 375 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फैक्टर करेंगे, और हमें लाना क्या है, 115 लाना है। तो 375 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 आएगा, 1500 के फैक्टर लाने हैं कि 115 आ जाए। तो ये करेंगे इसको आगे हम, ये 4x² -115x +375 इसक्वल टू 0। तो 115 के फैक्टर 115 आ जाएगा, माइनस का लाना तो -100x-15x +375 इसक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, x भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x-4 से डिवाइड करेंगे, 25 4 जो 100 होता है, यह क्या -15 कॉमन लेंगे, यहाँ से x, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस को आ जाएगा, 15 से इसको डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा इसक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, x-25, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया, 4x-15 इसक्वल टू 0। एक बार ये ले लेंगे, x-25 इसक्वल टू 0, तो x इसक्वल टू क्या आ गया, 25, ये प्लस का आ गया, इसको ले लेंगे। दूसरा अगर हम 4x-15 इसक्वल टू 0 रखते हैं तो 4x इसक्वल टू 15 हो जाएगा, तो x इसक्वल टू 15/4 ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं, तो यानी कि हम 25 ले लेंगे। तो हमने क्या सपोज कर रखा था, हमने सपोज कर रखा था कि इस टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इसक्वल टू 25 आवर, 25 आवर। उसके बाद टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप का कितना हो जाएगा, वो x-10 है, तो 25-10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 आवर। एक आंसर 15 हो गया, एक आंसर 25 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में
एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटे कम टाइम लेती है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर जाने में बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। उसके बाद क्या लिखा, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज़्यादा है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, हम दोनों की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। पहले दोनों की एवरेज स्पीड को हम सपोज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, सपोज एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर एंड सपोज एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा, देयरफोर एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा, इससे 11 किलोमीटर ज़्यादा उसकी स्पीड है तो एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। पहला केस जो है हम पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकालेंगे, तो पहले केस में डिस्टेंस कितनी है 132 किलोमीटर और स्पीड कितनी है एक्स किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 132 अपॉन एक्स, ये हो गया टाइम पैसेंजर ट्रेन का। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड केस है हमारे पास वो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम निकालेंगे दोबारा, फिर डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है 132 किलोमीटर ट्रैवल करनी है, स्पीड कितनी है वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है उसकी स्पीड है, तो टाइम यहाँ से कितना हो जाएगा 132 डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक्स प्लस 11, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है 1 आवर है, क्वेश्चन में हमें गिवेन है, तो हमें टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, इस वाले केस में टाइम ज़्यादा लगेगा या इस वाले केस में टाइम ज़्यादा लिखेंगे। देखिए ये पैसेंजर ट्रेन का है, इसकी स्पीड कम है, इस वाले केस में टाइम कम लगेगा क्योंकि ये स्पीड कम है, स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, नॉर्मल स्पीड से टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम बड़ा कौन सा हुआ, टाइम बड़ा ये वाला हुआ, तो जाएगा यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 - T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें टाइम कम लगेगा, स्पीड को बढ़ाएंगे टाइम कम हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा एक्स एक्स प्लस 11 एक्स एक्स कैंसिल, तो 132 और ये एक्स प्लस 11 आ जाएगा माइनस, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 132x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 132x से करेंगे तो 132x हो जाएगा प्लस 132 × 11, मल्टीप्लाई करते हैं 132 × 11 कितना आ रहा है 1452 आ रहा है, 1452 माइनस 132x अपॉन एक्स एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से और उसके बाद हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1452, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इधर आ जाएगा माइनस 1452 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब हम 1452 के में फैक्टर फाइंड करने हैं कि 11 आ जाए, एलसीएम वाले मेथड से करेंगे तो 1450 फैक्टर आ जाएंगे 44 एंड 33, तो यहाँ लिख देंगे 44 - 33 क्योंकि 44 में 33 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा माइनस 1452, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 44 माइनस, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 33 तो x ये प्लस का हो जाएगा 44, तो एक फैक्टर क्या होगा हमारे पास x प्लस 44 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 33 इक्वल टू 0। ये एक जीरो के इक्वल रखेंगे तो माइनस 44 आएगा, फिर इसको छोड़ देंगे, ये जीरो के इक्वल रखेंगे x माइनस 33 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 33। तो यहाँ पे आप लास्ट में आपको आंसर क्या लिखना है, देयरफोर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर देयर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 33 प्लस 11 कितना हो जाएगा 44, 33 प्लस 11 44, तो ये स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की और ये स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की किलोमीटर पर आवर, लास्ट में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468, दो स्क्वायर हैं उनके एरिया का स्क्वायर कितना है, सम ऑफ स्क्वायर एरिया का स्क्वायर का सम 468 है और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24 है, हमें उन दोनों स्क्वायर्स की साइड फाइंड करनी है, तो पहले सपोज करते हैं कि दोनों स्क्वायर की साइड्स जो है एक की एक्स से एक की वाई है,
देखिए हमने दो स्क्वायर बना दिया है, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है। बड़े वाले स्क्वायर की साइड एक्स एक्स सपोज कर ली है, छोटे वाले स्क्वायर की साइड वाई सपोज कर ली है। सपोज साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर ने एक्स सपोज कर लिया है, सपोज साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई सपोज कर लिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनका इसका एरिया कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या था साइड स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर इसका एरिया इस वाले का स्क्वायर कितना एरिया कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा वो क्वेश्चन में गिवन है कि 468 है, ये पहली इक्वेशन बन गई है। फिर इसका पैरीमीटर कितना था 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू एक्स हो गया, और इसका पैरीमीटर क्या होगा 4 इंटू वाई, 4 इंटू साइड। तो दोनों का डिफरेंस कितना है वो क्वेश्चन में गिवन है कि 24 है, या फिर दूसरी क्वेश्चन बन गई। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए 4 से डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड भी कर देंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे एक्स, 4 से इसको डिवाइड करेंगे वाई, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 6, ये आ गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो वाई उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो वाई प्लस 6 हो जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और वाई फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन वन, इस एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पुट की यहाँ पे, तो है एक्स स्क्वायर है, तो हो जाएगा वाई प्लस 6 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इसको टू क्या आ गया 468 हो गया। अब इसको हम आइडेंटिटी से खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सॉरी 6 का स्क्वायर बी स्क्वायर होता है 36 हो गया, प्लस 2ab 2 इंटू 6 इंटू वाई कितना आ गया 12y, प्लस ये आ गया प्लस वाई स्क्वायर इसको टू 468, वाई स्क्वायर कितना आ गया 2y स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया ये 12y प्लस 36 माइनस, ये भी उधर जाके माइनस का हो गया, इधर क्या बच गया 0। तो यहाँ से यह आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y, इसे 36 माइनस कर देंगे, 468 से 36 माइनस कर 432 आ जाएगा। अब ये पूरी इक्वेशन 2 पर डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस क्या आ जाएगा 216 इक्वल टू 0। अब हम क्या करना 216 के फैक्टर करने हैं कि 6 आ जाए, तो 216 के फैक्टर करेंगे 12 एंड 18 आएगा, तो 18 में से अगर हम 12 को माइनस कर देंगे तो 6 ही आएगा, इसलिए आ जाएगा। तो यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे, तो y प्लस 18 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, इसका एक फैक्टर हो गया y प्लस 18, और दूसरा फैक्टर हो गया y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर हम y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 18, ये नेगेटिव आ गया छोड़ दिया इसलिए हमने, तो y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 12, ये प्लस में आया है इसलिए इसको हम ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर y आ गया, अब उसके बाद में x सपोज करना है, तो y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये हमने लिख लिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी x इज इक्वल टू y प्लस 6 था, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 प्लस 6 कितना आ गया ये 18 आ गया। तो हमने यहाँ पे लास्ट में कर लिया देयर फोर साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना हो गया x जो हमने सपोज किया था 18 मीटर आ गया, एंड साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितना हो गया 12 मीटर, यह दो आंसर आ गए आपके। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पे, थैंक यू।